मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एमएलए बनने की और आज भी नहीं है, ना कल रहेगी। वो और होंगे जिनको एमएलए या एमपी बनने की ख्वाहिश है, मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर कुछ ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि जब मरने के बाद अल्लाह के सामने जब हाजिर होगा तो उस वक्त अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तदार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और कहूंगा कि ऐ अल्लाह तूने इज्जत दी थी मुझे, शोहरत दी थी मुझे, ताकत दी थी मुझे, इख्तदार दिया था, दौलत दी थी, तो मेरे ये स्कूल तेरे हबीब के उम्मतियों की मोहब्बत की निशानी। मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हो, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हो, न कभी इख्तदार के पीछे भागा हो। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता या घबराता नहीं हो, सिर्फ डरता हो तो मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह से डरता हो और किसी को। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के जर्ब लगने से पहले, मेरे दो स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे, अगर मैं आज जिंदा होना तो शायद वो दो स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा।